तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी और केसी का वैल्यू लिखना सीखा। अब केपी और केसी के बीच में एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी केपी का वैल्यू दिया रहेगा, गिवन टेम्परेचर पर केसी का वैल्यू निकालना होगा, या फिर केसी का वैल्यू दिया रहेगा और केपी का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला का होना जरूरी है। पहले उस फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे, कैसे आता है वो फार्मूला, और उसके बाद उस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है, रट लेना है। जैसे कोई एक गैसियस फेज इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लिया, जिसमें कि ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। तो ए और बी का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन M1 और M2 है, सी और डी का N1 और N2 है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए केपी भी एग्जिस्ट करेगा और केसी भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले केसी लिखते भाई। केसी यदि लिखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का ऊपर में, कॉन्सेंट्रेशन सी का इसका पावर N1, कॉन्सेंट्रेशन डी का इसका पावर N2 एंड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ए का इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट M1 एंड कॉन्सेंट्रेशन बी का इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट M2। ये कैसे हुआ? इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए केपी का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे? तो पार्शियल प्रेशर सी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट पावर में जाएगा N1, पार्शियल प्रेशर डी का इसका पावर N2 एंड डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का, दैट इज ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इसका पावर M1 एंड पार्शियल प्रेशर बी का इसका पावर इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट M2। तो केसी भी लिख लिया और केपी भी लिख लिया। तो हम लोग मानेंगे कि जो भी गैस सिस्टम में है वो आइडियल गैस से आइडियली बिहेव कर रहा है। तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है PV=nRT होता है भाई। अब PV=nRT से अगर ध्यान से देखो तो P को लिख सकते हैं N/V एंड मल्टीप्लाइड बाई RT। ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अर्थात यहां से हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड बाई RT इसके बराबर होगा। तो अब जो केपी का वैल्यू है हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर सी का, अर्थात सी का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई RT और इसका पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर डी के लिए मोलारिटी डी का मल्टीप्लाइड बाई RT और इसका पावर इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ए का RT एंड इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर M1, कॉन्सेंट्रेशन बी का मल्टीप्लाइड बाई RT और इसका पावर इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट M2। अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो RT वाला जो टर्म है उसको हम बाहर कर ले, तो बाकी जो टर्म बच गया वो क्या बच गया? C का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N1, D का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N2 डिवाइड बाई A का कॉन्सेंट्रेशन का पावर M1 और B का कॉन्सेंट्रेशन का पावर M2 है कि नहीं? और RT को बाहर कर दो भाई, तो RT का जो पावर हुआ N1 प्लस N2 एंड माइनस M1 प्लस M2। यानी कि हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला बन गया KP इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये जो टर्म लिखा गया है दिस इज नथिंग बट केसी। केसी का वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही तो लिखा था। तो केपी का वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला के रूप में आने वाला है, KP=KC और RT, मल्टीप्लाई RT और इसका पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का। तो इसको हम लोग ΔNG कहते हैं, ΔNG। तो ये जो फार्मूला आया इसको बढ़िया से याद कर लेना है, रट लेना है, जहां पर कि यूनिट भी आपको ढंग से लिखने आना चाहिए। जनरली केपी जब लिखा जाता है तो उसके लिए प्रेशर का जो यूनिट लिया जाता है एटमॉस्फेयर, और मोलारिटी का जो यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर जो आर का यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा 0.0821
एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी ही तो निकालने बढ़िया से आना चाहिए। यह है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का समेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का किसका? ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान रहे, सिर्फ गैस को ही काउंट करना है, लिक्विड और सॉलिड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। माइनस समेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास डेल्टा एनजी आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो आप सम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेंगे वो सिर्फ गैस का होगा, लिक्विड और सॉलिड को उसमें हम लोग काउंट नहीं करते। एक और चीज, यदि डेल्टा एनजी जीरो हो, इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का और गैसियस प्रोडक्ट का दोनों बराबर हो जाए तो डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो होगा। तो ऐसे केस में यहां पर आरटी का पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो ऐसे केस में याद रख लेना है कि केपी और केसी का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा। किसी एक केमिकल रिएक्शन में अगर जरूरत आपको केपी का है, दिया हुआ केसी है और डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो है, तो उस केस में केपी और केसी दोनों बराबर होंगे।